भाई ये ट्रैक ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर ये पिघल गई है। और यहाँ पर है दुर्योधन का 5000 साल पुराना मंदिर। हाय वेलकम टू द व्लॉग। तो ये ट्रैक शुरू होता है सांकरी से, तो सांकरी में पहुँचा था एक दिन पहले, देहरादून से बस ली। अभी मैं रेलवे स्टेशन के पास हूँ देहरादून, और मेरी बस छूट गई थी अभी, तो मैं भाग कर उसी के पास जा रहा हूँ। ये है अपनी बस और इसी में निकल रहे हैं हम सांकरी के लिए। वो बस रास्ते में ख़राब हुई, उधर भैया लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमारी बस ख़राब हो गई है और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई लिफ्ट दे दे मुझे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से लिफ्ट लेकर सांकरी पहुँचते मुझे बहुत रात हो गई थी, फिर मैंने वहाँ पर होम स्टे ले लिया था। अभी उसके आगे की कहानी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांकरी। तो अभी पता है मुझे क्या लग रहा था कि यहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि जिस होम स्टे में मैं रह रहा हूँ उसकी छत में ना मतलब उसकी टंकी भर गई है और ये पानी आ रहा है भाई छत से पानी करने में, और पीछे बाथरूम में पूरी रात को 2 बजे से तर 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 आवाज़ आने लगती है, तो मुझे लग रहा था बारिश हो गई है पर बारिश नहीं हो रही है। ट्रैक जो है ना वो शुरू होता है तालुका से, तो हमें तालुका पहुँचने के लिए सांकरी से गाड़ी में जाना होता है क्योंकि वो 11 किलोमीटर है। अरे रास्ता और कूल हो सकता है अगर तुम्हारा ड्राइवर ये गाने सुनता हो। तो अभी मैं तालुका पहुंच गया हूँ बड़ी मुश्किल से लिफ्ट वगैरह लेकर, तो एक ट्रैकर्स का ग्रुप मिल गया था उनके साथ में आ गया था। अब यहाँ से ट्रैक शुरू हो गया है और अभी निकलना है ओसला के लिए। मैगी का नाश्ता। तो मेरा ट्रैक शुरू हो गया है, अभी हमें निकलना है ओसला के लिए और आज ओसला ही पहुँचना है, कल निकलेंगे सुबह हरकीदून के लिए। तो अभी तो मैं बिल्कुल सोलो ही हूँ, तो खाना खाते खाते मैगी वगैरह खाते खाते लेट हो गई मुझे, और अब मेरा गाइड भी चला गया है। वो ऊपर से नीचे आ गए, ये वाला रास्ता फॉलो करता है। मौसम तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, साफ़ है मौसम बिल्कुल, और इस बार मुझे होप है कि सारे पीक्स बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे। सामने हल्के हल्के बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने लगे, तो ये पूरी वैली बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी तो जितना भी ट्रैक है वो सारा जंगल के बीच से है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। यार ये देखो एक बार कितना सुंदर लग रहा है, एक किधर से आ रही है रिवर, एक ऊपर से आ रही है, यहाँ पे मिल रहा है बहुत सुंदर, हर जगह से नदियाँ बह बह के आ रही हैं और संगम हो रहा है। नज़ारे इतने ज़्यादा हैं ना यहाँ पे, जितने नज़ारे हैं उतनी ज़्यादा धूप हो रही है, पर सुंदर बहुत लग रहा है। ओहो सारी धूप जितनी हो तो सब छिप गई है इन पत्थरों की, जैसे सर के ऊपर ऊपर ही है। इसी तरह सामने देखिए जो गैप है बीच में, देखिए एंजाइटी हो रही है, ऐसा लग रहा है टूट जाएगा। 4-5 किलोमीटर कर लिया हमने और अब हल्का हल्का एलिवेशन बढ़ गया है, चढ़ाई भी आना शुरू हुई है, पर मज़ा आ रहा है ब्रो। वो सामने एक गांव दिख रहा है, शायद वो ओसला है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये ओसला नहीं है, ये गंगाड़ है, ये ओसला से पहले पड़ता है छोटा सा गांव, इसके बाद आएगा ओसला। तो जो सामने गांव है मतलब कोई इतना दूर आकर कैसे रह सकता है। तो रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे थे जो मतलब बेसिक नीड्स के लिए सांकरी जा रहे हैं, तो हम तो बहुत ही प्रिविलेज लोग हैं जिनके आस पास ही सब कुछ है, सोचा गाँव की ज़िंदगी। सामने की तरफ हिमालय है, सारा गांव है, और जितना भी गांव है ना पूरा मेजॉरिटी से सारा लकड़ी के घर है। भैया एक यहाँ पे एक लोकल जूस पिला रहे हैं, थैंक यू भैया। तो जूस तो काफ़ी सही हो रहा था, इसका नाम सेबक थॉन है और लोकल में कुछ अमलच करके बोलते हैं इसे, अगर मैं गलत बोल रहा था सॉरी, पर स्वाद अच्छा हो रहा था काफ़ी। जो इनकी छत है ना ये पटाल वाली है, तो मतलब हमारे पहाड़ में इनको पटाल बोलते हैं, पटाल वाली छत है।
तो मुक्तेश्वर में भी ना पहले ऐसी घर होते थे, जो गांव गांव के घर हैं सारे ऐसे होते थे पटाल वाले। पर ये पिघल गई है, बाय बाय। कितना भारी बैग लेकर जा रही है। भाई ये ट्रैक ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ देर बाद ना मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसे देख के तुम्हें लगेगा यार क्या वाह कितनी बढ़िया जगह है ये। तो मैं फाइनली पहुंच गया हौसला, यहाँ पहुँचने में करीब मुझे 6 घंटे लगे, पर मज़ा बहुत आ रहा है, अब सुकून सा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा शांत गांव है, बहुत ही ज़्यादा शांत। और यहाँ पर है दुर्योधन का 5000 साल पुराना मंदिर, ये देखो एक बार, ये वो मंदिर। तो ये अपना होम से आज के लिए, हाँ ये पूरा जो गांव है मतलब आप देख रहे हो पूरा सराउंडेड है सारा पहाड़ों से, बहुत ही हाइट पर है और ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। अब बस आराम करना है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अगर देखना है क्या है हौसला को। तो जो छोटे बच्चे थे ना वो सारे कुछ अपने अपने गेम्स खेल रहे थे, सबके अलग अलग गेम्स थे, और आंटी लोग कुछ बुनाई का काम कर रही थी और कुछ तो अपनी ज़मीन के लिए भी लड़ रहे थे। Low tide. Low tide.